गाइस, काफ़ी सारी चीज़ें हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर मार्केट में, जहां पर फ्लुकी इनो कॉइन, पेपे कॉइन और यहां तक कि बोंक और शिबा इनो कॉइन भी अच्छा खासा पंप करते दिखाई दिए। मीम कॉइन यहां पर काफी तेजी से आगे निकलते नजर आ रहे हैं, जहां पर फ्लुकी की प्राइस में हमें पिछले एक महीने के अंदर ही 49% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये क्लियरली एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है और यहाँ पर आपको चार रीजंस पता चल जाएंगे जिसके कारण फ्लुकी का प्राइस पंप हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि एक और ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए, साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट और आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लुकी इनो कॉइन के बारे में, जिसका करंट प्राइस आज के समय में 0.017 रुपीज के आसपास है। क्लियरली 49% तक पंप हो चुका है। पिछले 7 दिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 19% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। काफी सारी लिस्टिंग्स हुई है, बर्निंग से रिलेटेड अपडेट आई है और यहाँ तक कि नेक्स्ट ब्रेकआउट की भी उम्मीदें लगाई जा रही है, वो भी 200% के आसपास। पूरी चीजों को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर बर्निंग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 99.84% वोट्स मिले हैं यहाँ पर फ्लुकी डाउ को अनदर बर्निंग करने के लिए, जो कि होगी लगभग 15.2 बिलियन टोकन्स के आसपास। बहुत ही मैसिव बर्न ये होगा फ्लुकी इनो के इकोसिस्टम के लिए, जो कि कम्युनिटी में एक बड़ा एंगेजमेंट यहाँ पर क्रिएट करेगा। ऑलमोस्ट 99% कम्युनिटी यहाँ पर यही चाहती है कि फ्लुकी इनो यहाँ पर ये मैसिव बर्निंग कर पाए। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि इस हफ्ते के अंदर या फिर नेक्स्ट हफ्ते के अंदर ही हमें ये बर्निंग देखने को मिलेगी। उसी के साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर चार रीजन की जिसके कारण मार्केट में फ्लुकी का प्राइस इस समय पर पंप हुआ है, तो सबसे पहला रीजन तो मैंने आपको यही बता दिया है कि बर्निंग से रिलेटेड अपडेट। दूसरा यहाँ पर है फ्लुकी के फ्यूलिंग एसेट। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर मीम कॉइन्स पंप होते दिखाई दे रहे हैं, तो मार्केट में सिर्फ फ्लुकी नहीं बल्कि पेपे, शिबा इनो, बोंक कॉइन भी यहाँ पर पंप कर चुके हैं। पेपे की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो परसों के दिन ही पेपे ने अपना नया ऑल टाइम हाई भी यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो बहुत ही मैसिव लेवल पर यहाँ पर मीम टोकन्स के अंदर सर्जेस हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ में थर्ड जो रीजन है यहाँ पर वो है लिस्टिंग्स। लिस्टिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो बाइनेंस थाईलैंड के अंदर फ्लुकी इनो को लिस्ट कर दिया गया है, ट्रिगरिंग इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स अब पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं, पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर दी है यहाँ पर फ्लुकी इनो को लेकर, जिसके कारण पूरे मार्केट में फ्लुकी से रिलेटेड पॉजिटिव अपडेट्स आती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मीम टोकन्स के लिए पैनिक की सिचुएशंस बिल्कुल भी नहीं है। उसी के साथ में जो थाईलैंड के अंदर अडॉप्शन हमें देखने को मिला है, थाईलैंड बेसिकली यहाँ पर 10th नंबर पर रैंक कर रहा है 2023 के ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन इंडेक्स के अंदर, जो कि एक बड़ी बात हो जाती है जब एक इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह की कंट्री बाइनेंस थाईलैंड पर्टिकुलरली फ्लुकी को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी न्यूज थी इन्वेस्टर्स के लिए, साथ ही में यहाँ पर कम्युनिटी के लिए। उसी के साथ में यहाँ पर फोर्थ रीजन है मैसिव ब्रेकआउट। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मैसिव ब्रेकआउट हमें ऑलमोस्ट 200% का देखने को मिल सकता है मिड 2024 के अंदर, यानी कि जून जुलाई में हम एक अच्छा खासा ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि होगा 200% के आसपास। ये जो ब्रेकआउट है कि आपको ऑलमोस्ट 0.0002 डॉलर के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल आपको ब्रेक होता दिखाई देगा, जिसके बाद यहाँ पर एक नया ऑल टाइम हाई एक्सपेक्टेड है कि फ्लुकी इनो क्रिएट करता दिखाई दे, जो कि बहुत ही मुश्किल टारगेट होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर अपने प्राइस में डॉलर्स में अगर मैं बात करूँ तो एक डिजिट से आराम से हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि होगा लगभग 0.0003 डॉलर्स के आसपास। तो यहाँ पर आप एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। हालांकि करंट जो सिचुएशन है, जहाँ पर अगर आप स्पॉट में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट इस समय पर काफी ज्यादा वोलेटाइल है, तो यहाँ अपने मीम टोकन्स में एंट्री लेना थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप फ्लुकी से रिलेटेड ट्रेड चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर शेयर करूंगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन से रिलेटेड आपको ट्रेड्स चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। तो दोस्तों, यही कुछ चार रीजंस थे जिसके कारण फ्लुकी इनो आज की डेट में पंप कर गया और ऑलमोस्ट पिछले 7 दिनों में 20% और एक महीने के अंदर 50% तक पंप कर गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है इस मार्केट क्रैश के अंदर, जहां पर बिटकॉइन, इथेरियम, अल्टकॉइंस, पूरा का पूरा मार्केट इस समय पर पूरी तरह से डाउन है। तो यहाँ पर मीम होल्डर्स के लिए, मीम कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि मीम टोकन्स यहाँ पर पंप करते दिखाई दे रहे हैं और शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर गेन कर रहे होंगे और आगे भी और ज्यादा करेंगे लगभग मिड नवंबर के आसपास। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर एक और ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है, जहां पर मार्केट आपको धीरे धीरे और ज्यादा क्रैश होता दिखाई देगा। हालांकि मीम टोकन्स के लिए बहुत ही उल्टा केस है, तो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है कि ये कॉइन्स पंप होंगे या डंप होंगे उस ब्रेकडाउन के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा रिस्क फेस करना पड़ सकता है अगले 1 से 2 हफ्तों के अंदर। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की अपडेट फ्लुकी इनो कॉइन से रिलेटेड, जिसमें फ्लुकी के साथ साथ काफी सारे मीम टोकन्स पंप होते दिखाई दे रहे हैं। पेपे के बारे में एक और वीडियो आपको शाम को देखने को मिलेगा, तो मेक श्योर यहाँ पर पेपे वाले वीडियो को भी जरूर देखिए अगर आप पेपे इन्वेस्टर भी है तो, और साथ ही में वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी सारी अपडेट्स मिलती रहेगी और ज्वाइन बटन पर क्लिक करते ही आप हमारी कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।